बिजी, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का इनिशिएटिव है और आप किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? बी विद बेटी ऑब्वियसली जो वुमेन वायलेंस है उसके अगेंस्ट काम करता है. दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द वुमेन वायलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जैसे मैं पहले भी आ चुकी हूँ ये इवेंट के लिए, और दिस टाइम व्हाट आई एम कमिंग हियर क्योंकि अर्चना कोचर जो है वो एक फैशन शो भी डिस्प्ले कर रही है. सो आई एम वॉकिंग फॉर अर्चना, एंड अगेन इट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बी विद बेटी एंड एनी थिंग लाइक इफ इवन एक बंदे का भी प्रेजेंस अगर मैटर करता है, तो अगर वो बंदा मैं हूँ तो मैं ज़रूर यू नो आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. वुमेन एम्पावरमेंट से कितना इत्तेफाक है? एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वो चीज़ के बारे में, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए, बोलने जाए तो बहुत सारी चीज़ें, और अगर दूसरी वे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल विद इन द माइंड. जो भी है, हमें बेसिकली रिस्पेक्ट देना चाहिए वुमेन को, किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए, या फिजिकल हो या मेंटल हो या कुछ भी हो. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नो आर कंट्री शुड अंडरस्टैंड. आई डोंट नो वेदर वुमेन वायलेंस बाहर होता है कि नहीं, मैंने सुना नहीं है कभी, पर जितना सुना है आज तक हमारे देश के बारे में सुना है. तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मर्द है या हु एवर इज़ नॉट यू नो बींग वेरी violent towards their, towards women, not there or something, but towards women, so they need to a little educate themselves about women empowerment. There's a report you are doing ahead is story 3. Let's talk about Be With Beti. Salman ki dono heroine is film mein ek saath nazar aane wali hai, aisi khabrein aa rahi hai ki sachchai hai in baat mein, bas itna bata dijiye. Sachchai hai, puri tarah se sach hai ye news. और जी, जैसे आपने कहा कि सलमान की दोनों हीरोइंस ये मूवी के अंदर है, तो लेट्स सी. आई मीन इट्स गुड फॉर द कंपनी, प्लस अगेन गुड फॉर द डायरेक्टर, बिकॉज ही इज़ गेटिंग टू हीरोइंस हुज़ वर्क विद सलमान खान अर्लियर, एंड ही इज़ होपिंग टू द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट, इंक्लूडिंग मी. थैंक यू सो मच.